रीवा के माहौल का जहाँ तक सवाल है, ये हम रीवा की लोकसभा की सीट हम जीत रहे हैं। मैं यहाँ कल से आया हूँ, चारों तरफ हर आदमी कांग्रेस की बात कर रहा है। अगर ये हवाई हवाई बात होती, कांग्रेस अगर इसको ऐसे ही मुद्दा बनाती हवाई हवाई, तो आदरणीय राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, काय के लिए चिलचिलाती गर्मी में, कड़कड़ाती सर्दी में, बरसती बरसात में, माइनस 5 डिग्री टेम्परेचर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर पद यात्रा करते, काय के लिए असम से लेकर के और अब के महाराष्ट्र तक वो यात्रा करते। अभी अनंत हेगड़े ने कहा कि हमें 400 से ज्यादा सीट चाहिए, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है, जब 400 से अधिक सीट होंगी तभी हम संविधान को बदल पाएंगे। अभी एक भाजपा की नेत्री है, अभी मधु शर्मा, उसने कहा है कि ये संविधान को इसलिए बदलना जरूरी है कि जो लोग कभी हमारी जूतियों के नीचे रहते थे आज वो सर पे बैठने लगे हैं। नागालैंड की सरकार गिराई इन्होंने, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई इन्होंने, कर्नाटक की सरकार गिराई इन्होंने, छत्तीसगढ़ की गिराई होती इन्होंने, दिल्ली की गिराई होती, ये चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र के हत्यारे, इनके नेतृत्व में देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश के अंदर में जो गुंडागर्दी का माहौल पैदा किया है, लोकतंत्र को पैसे की दम पर, ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर कुचला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं रीवा लोकसभा सीट में और यहां पर आज हमारे साथ मौजूद हैं मुरैना के पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी। चुनावी माहौल को लेकर के और देश में जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं को लेकर के हम यहां पर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका द खबरदार न्यूज पर, और हम जानना चाहेंगे कि आप रीवा लोकसभा सीट के लिए यहाँ पर प्रचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ का चुनावी माहौल कैसा? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात मतदाताओं तक पहुँचेगी। रीवा के माहौल का जहाँ तक सवाल है, ये हम रीवा की लोकसभा की सीट हम जीत रहे हैं। मैं यहाँ कल से आया हूँ और तो चारों तरफ हर आदमी कांग्रेस की बात कर रहा है, क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश के अंदर में जो गुंडागर्दी का माहौल पैदा किया है, लोकतंत्र को पैसे की दम पर, ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर कुचला जा रहा है। चाहे वो केजरीवाल का मामला हो, चाहे हेमंत सोरेन का मामला हो, चाहे और आम आदमी पार्टी के तमाम सारे नेताओं का मामला हो, चाहे चव्हाण का मामला हो, और जितने भी जो मामले हैं, जबरदस्ती से सबको गुंडा बता करके काला धन इकट्ठा कर लिया है, नंबरे के बदमाश हैं ऐसा कह करके और ईडी लगा करके आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी कर ली है, और उसके बाद उन पर नोटिस भेज करके और दबाव बना करके भाजपा में जब शामिल कर लिया, फिर कहते हैं कि इनसे अच्छा कोई नेता ही नहीं है। ये जो पूरी जनता देख रही है, निश्चित तौर पर ये सब लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। भारत का लोकतंत्र खतरे में है। आपने देखा होगा कि इन्होंने नागालैंड की सरकार गिराई, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई इन्होंने, कर्नाटक की सरकार गिराई इन्होंने, छत्तीसगढ़ की गिराई होती इन्होंने, दिल्ली की गिराई होती, ये चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के हत्यारे, इनके नेतृत्व में देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उस समय से चुनावी सियासत में जो है तो कुछ बयान काफ़ी वायरल हो रहे हैं, विशेष तौर पर जो कांग्रेस घेर रही है संविधान के परिवर्तन को लेकर के घेरती हुई नजर आ रही है। आज भी बिहार के सांसद हैं लल्लू सिंह, वो कह रहे हैं अंबेडकर जी की जयंती के समारोह में कि संविधान को संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इसको बदलने की ज़रूरत है। और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सबसे जो बड़ा मुद्दा इस चुनाव में दिखाई देता है वो संविधान को बदलने की आशंका को लेकर के है, तो ये कितना संभव है, या फिर कांग्रेस सिर्फ जो है तो हवा हवाई बात कर रही है जनता को डराने के लिए कि ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे? देखो, ये हवाई हवाई बात इसलिए नहीं है, ये कांग्रेस नहीं कह रही। मोहन भागवत जी ने कहा है कि हम संविधान को बदलेंगे, ये पुराने हाँ भाजपा के नेता हैं, ऐसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि ये संविधान पुराना हो चुका है, और केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने हाउस में कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता भारत के संविधान को बदलने की है। उत्तर प्रदेश के भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव भारत का आखिरी चुनाव होगा। अभी अनंत हेगड़े ने कहा कि हमें 400 से ज़्यादा सीट चाहिए, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है, जब 400 से अधिक सीट होंगी तभी हम संविधान को बदल पाएंगे। अभी एक भाजपा की नेत्री है, अभी मधु शर्मा, उसने कहा है कि ये संविधान को इसलिए बदलना ज़रूरी है कि जो लोग कभी हमारी जूतियों के नीचे रहते थे आज वो सर पे बैठने लगे हैं।
जिस संविधान ने उनको जूते से जूते के नीचे जो रहते थे वो सर पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये संविधान हमें कतई पसंद नहीं है। तो ये कांग्रेस थोड़ी कह रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। अगर ये हवाई हवाई बात होती, कांग्रेस अगर इसको ऐसे ही मुद्दा बनाती हवाई हवाई, तो आदरणीय राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, काय के लिए चिलचिलाती गर्मी में, कड़कड़ाती सर्दी में, बरसती बरसात में, मानस 5 डिग्री टेम्परेचर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर पदयात्रा करते, काय के लिए असम, काय के लिए असम से लेकर के और अब के महाराष्ट्र तक वो यात्रा करते। हमारी कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया, कांग्रेस के लाखों लोग कुर्बान हुए हैं, अनेकों माताओं की गोदें खाली हुई हैं, कई ललताओं के सुहाग और सिंदूर जड़े हैं, अनेकों बहनों से भाइयों का प्यार चुना है, तमाम सारे बुजुर्गों के अपमान हुए, हज़ारों नौजवानों की हत्या हुई, तब ये देश आज़ाद हुआ। कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कांग्रेस नहीं चाहेगी कि हमारा जो लहलहाता हुआ भारत है ऐसा ही लहलहाता बना रहे, ये बर्बाद करना चाह रहे। इन्होंने कई एयरपोर्ट भेज दिए, कई बंदरगाह भेज दिए, कई रेलवे स्टेशन भेज दिए, कई बड़े बड़े हाईवे भेज दिए, कई इन्होंने रेलवे ट्रैक भेज दिए, कई बड़े बड़े बांध भेज दिए, कई बड़े बड़े जंगल भेज दिए, ये तो देश को लूटने में पड़े हैं। केवल कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान और लोकतंत्र और देश को बचाने में ईमानदारी से काम कर रही है। जातिगत जनगणना को लेकर के देश भर में कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना का समर्थन करती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी इस मामले को लेकर के चुप नजर आती है, कई बार विरोध की स्थिति में भी नजर आती है। तो कांग्रेस के लिए जातिगत जनगणना का समर्थन कितना बड़ा मुद्दा है, और क्या ये लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नैया पार लगा पाएगा, इस बारे में क्या सोच? देखो, इस देश का जो बुद्धिजीवी और पढ़ा लिखा जो छात्र है उसकी तो पूरी समझ में आ गई है कि जाति जनगणना से बड़ा मुद्दा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। आज़ाद भारत में अभी तक अगर जाति जनगणना होती तो शासन प्रशासन भूमि व्यापार राजनीति संस्कृति में जिसकी बिरादरी की जितनी जनसंख्या उसे उतनी हिस्सेदारी मिल जाती थी। लेकिन आज राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना की बात करके भारतीय जनता पार्टी को पशु पेश में डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है कि अगर हम इसका विरोध करते हैं तो मरे, और नहीं किया तो मरे, नहीं किया तो इसलिए मरे कि सारी संपत्ति हमारे पास है, सारे एजुकेशन संस्थान हमारे पास में, सारे जितनी मेडिकल कॉलेज हैं सब हमारे पास में, जितनी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सब हमारे पास में, जितने बड़े बड़े व्यापार हैं सब हमारे लोगों के पास में, जितनी देश की धन संपत्ति है सब हमारे पास में, जब जाति गणना हो जाएगी तो मेरे लोगों के पास तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए उनको चिंता का विषय और कांग्रेस के लिए फायदा का विषय कि देश में समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना हो। आप कह रहे हैं कि काफ़ी कसाकसी है, लेकिन वो तो कह रहे हैं 400 पार अब की बार, ये तो उनको पता चल जाएगा खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अगर वो 400 पार होते तो काय के लिए लोगों को तोड़ते, जरूरत भी नहीं है, तू भी आ जा, ईडी सीआईडी जबरदस्ती से लगे लोगों को तोड़ने, जरूरत नहीं है फिर भी तोड़ रहे हैं। और एक तरफ वो कह रहा है कि सारा कचरा कांग्रेस का हमारे यहाँ आ गया, गीला कचरा, सूखा कचरा, इलेक्ट्रिक कचरा, ये हमारे पास आ गए। अभी उसने कहा था, भागवत इनका जो प्रभारी है उसने कहा कि कांग्रेस के सारे विभीषण आज हमारे साथ आ गए हैं। कहा कि नहीं कहा, जब अगर उनको ज़रूरत नहीं होती, अगर 400 पार हो रहे ही होते तो वो क्यों तोड़ते? वो घबराए हुए हैं, 400 पार नहीं, वो 200 पार भी नहीं होंगे, मैं विश्वास के माध्यम से आपके चैनल से कह देना चाहता हूँ। एक चीज़ और अंत में पूछना चाहेंगे, बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों में काफ़ी विवादास्पद स्थितियाँ भी हैं, जैसे निर्मला सीतारमण का एक बयान है, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में सबका स्वागत है चाहे जो भी हो, जिसमें वो 9 CBI केसेस वाले लोग को भी शामिल करने की बात करते हैं, सबके लिए पार्टीज ओपन फॉर एवरीबडी वो बोलते हैं। वो उनके पति जो हैं पराकर जो है, तो वो कहते हैं कि अगर ये चुनाव होता है तो शायद अंतिम चुनाव होगा। तो यहाँ पर पार्टी में इस तरीके की बयानबाजी भी आ रही है, लेकिन पार्टी इसका ना तो बचाव कर रही है ना तो विरोध कर रही है, तो ये कैसी असमंजस की स्थिति पार्टी के लिए? देखो, उनमें भी कुछ तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आज चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना भी दादा हो, कितना भी वैभवशाली हो, पैसे से केवल आज उनका पैसा, पैसे से वस्तु खरीदने लायक पैसा बचा है, सही बात कहने की औकात आज पैसे वाले के अंदर में नहीं है। इसलिए पैसा, पैसे वाले जो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, वो ईडी के डर के मारे बेचारे कि 70 साल की उम्र में जेल में चक्की चलानी पड़ेगी, इस नाते वो भी कुछ नहीं कह नहीं पा रहे, लेकिन दुखी वो भी हैं। निश्चित तौर पर उनमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि सबका स्वागत है, सबका स्वागत इसलिए, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये कचरा है, कोई कह रहा है कि ये गीला कचरा है, कोई कह रहा है ये सूखा कचरा है, कोई कह रहा है कि ये सारे विभीषण आज इकट्ठे हो गए हैं, तो बाद में उनके लिए कहने को ही हो जाएगा, हम तो कहते थे कि सारे जबरदस्ती हमारे पास आ रहे हैं। तो ये सब
तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं, भगवान ही मालिक, उनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।